हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में आप लोग एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले, जिस एप्लीकेशन में अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको मेरे तरफ से दोस्तों जो है 150 रुपये मिल जाएंगे। तो आप कहीं भी ट्रांसफर करवा पाएंगे मेरे से, ठीक है। आप जो है मेरे व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर दीजिएगा, जो कि मैंने आपके लिंक से डाउनलोड किया। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 150 रुपये फ्री मिल जाएंगे। एंड आपको जो है साइन अप करने के बाद आपको अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हो तो आपको जो है 750 रुपये का पर रेफर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहने, इस वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मास्ट चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लीजिए। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो मास्ट वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे। देखो बस, डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इस लिंक को आपको जो है ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करते हैं, ये रिडायरेक्ट कर देगा वेबसाइट पर, ठीक है। ICICIdirect.com जो है डीमैट अकाउंट है, इसमें आप लोग को कोई भी ब्रोकरेज चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने जो इसको पूरा फुली वेरीफाई करके इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसमें आप लोग को ना साइन अप बोनस लग कुछ भी, मतलब कि इसमें कोई भी चार्ज आपको देना नहीं। बस साइन अप करो, रेफर करके जो है अर्न करते जाओ। सिंपली साइन के आपको एक मोबाइल नंबर फिलअप कर देना। तो चलिए यहाँ से मोबाइल यहाँ पर आपको एक वार्ड नंबर फिलअप कर देना होगा। तो चलिए बॉस, यहाँ से बनाए अपना एक नंबर फिलअप करके आपको गेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप दोस्तों गेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। तो उस ओटीपी को जो है यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा ओटीपी जो है आ चुका है, तो मैं यहाँ से ओटर देगा आगे पेज पर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है अपने जीमेल से लॉग इन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ बॉस कि जो है आप अगर आपकी जीमेल पर ओटीपी नहीं आता है तो आप साइन इन विद गूगल पर करिएगा क्लिक, ठीक है। यहाँ सब क्लिक करेंगे तो आपके जो आपका जो भी यहाँ से आप जीमेल सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी अपना अपना जीमेल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलिए मैं जो अपना एक जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर दोस्तों आपका जो है अकाउंट सक्सेसफुल यहाँ से जो है, देन यहाँ पर आपको जो है अपना पैन कार्ड नंबर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर एंड उसका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके आप जो है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे। तो चलिए मैं यहाँ जो है अपना पैन कार्ड नंबर सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पर जो है अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके जो है प्रोसीड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद बॉस आपको ICICI बैंक सेविंग अकाउंट वाला, अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ पर क्लिक कर, अगर आपका दोस्तों कोई भी और अकाउंट है तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है एनी अदर्स बैंक पर क्लिक कर लेना है। देन आपको नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो आपको जो आपको बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ से क्लिक करके दोस्तों आप जो है इसमें एक क्वाटैस का बैंक लिंक कर सकते हैं, और कोई भी बैंक आपके पास हो इसमें आप लिंक कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं चलिए यहाँ जो है इक्वाटैस का जो है बैंक यहाँ पर लिंक कर ले रहा हूँ, ठीक है। इक्वाटैस फाइनेंस बैंक यहाँ पर लिंक हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपको बैंक नेम एंड यहाँ पर दोस्तों IFSC कोड डाल के दोस्तों जो है आपको सेविंग अकाउंट सिंगल है ज्वाइंट है जो भी है दोस्तों आप क्लिक करके दोस्तों आपको जो है नेक्स्ट कर लेना है। तो चलिए मैं जो फटाफट फिलअप करता हूँ, देन नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से दोस्तों ऐसा रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऐसा इंटरव्यू सर, उसको दोस्तों आपको इस वाले इस पर दोस्तों आपको टिक कर देना है। देन आपको प्रोसीड टू डिजिटल लॉकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देना। देखिए बस वहाँ पर जो आप बैंक की डिटेल्स डालेंगे उससे जो आप UPI या तो नेट बैंकिंग चलाइएगा, जो हो बैंक को डिटेल्स को आप वहाँ पर फिल करेंगे उससे दोस्तों आपका UPI एंड जो है कोई भी मतलब कि यहाँ पर ऑनलाइन जो पेमेंट उसे बैंक से ही किया जाता हो उसी को बैंक को यहाँ पर फिलअप करिए, बिकॉज उससे जो उसमें आपको पेमेंट रिसीव कर लेना करना है, ठीक है। तो आप उसी बैंक को डिटेल को फिलअप करिए जिसे आप UPI चलाते हैं। देन यहाँ पर दोस्तों आपको जो अपना आधार नंबर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो है एक OTP जाएगा, तो उस OTP को यहाँ पर फिलअप करके कंटिन्यू कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट से OTP को फिलअप कर दें, देन कंटिन्यू कर लेता हूँ। देन OTP फिलअप करने के बाद बॉस आपको जो ऐसा इंटरफेस है देन आपको अलाउ कर देना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा बोलेगा कि दोस्तों जो आपका एड्रेस है एंड सही है कि नहीं, तो ठीक है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, करेक्ट वाले। दोस्तों आपको जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पर देन क्लिक करना है। अब जैसे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको जो एक सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों आप जो है एक जो है ब्लैंक पेपर लीजिएगा, उस पर जो है आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए जिसका आप आधार कार्ड अपलोड किए उसका नाम लिख के दोस्तों आपको जो इसमें अपलोड कर सिग्नेचर अपलोड करने दोस्तों आपको अपलोड और सिग्नेचर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर अलाउ कर देना, ठीक है। अब जैसे अलाउ करते हैं आपका जो सिग्नेचर यहाँ पर जो आप कैमरा से अपने इसलिए उसको दोस्तों सिग्नेचर को जो है आपको अपना अपलोड कर देना, जैसा कि मैंने देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है और यहाँ पर अपलोडिंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आपको जो करना होगा आपको जो है यहाँ पर कर देना होगा सबमिट वाले बटन पर क्लिक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप सब उसके बाद से बोलेगा दोस्तों ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है ओपन न्यू ICICI डीमैट अकाउंट वाला
ऑप्शन क्लिक देना, आपको नेक्स्ट कर देना, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं सेंड रिफ्रेश आएगा, उसके बाद दोस्तों आपको एग्री एस प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, देन ऐसे इंटरव्यू आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए बस उसके बाद से दोस्तों आपको कर देना होगा नो वाले ऑप्शन पर क्लिक, उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड कर देना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप प्रोसीड करते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपके मदर से नेम एंड आपका जेंडर क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। देन यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर दोस्तों यहाँ से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फादर्स का नेम सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आपको जो है सबमिट वाला बटन पर क्लिक कर देना, तो चलिए मैं इसमें फादर्स का नेम सिलेक्ट करता हूँ, देन सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद बॉस ऐसा इंटरफेस आएगा, तो उसको सारा डिटेल्स दो यहाँ पर आपको इस पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर दोस्तों आपको एनुअल इनकम, ठीक है, तो आप 1 लाख 2 लाख कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है कि आप जो आपका डिलीवरी भी होने वाला है कुछ भी जो, तो आप कितना मेल पर लेना चाहते हैं या फिजिकल मेल, ठीक, तो आपको ईमेल पर रह दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप सबमिट कर देना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सबमिट करते हैं तो आपको जो है आप कहाँ से, इंडिया से हैं तो इंडिया से सारा कुछ डिटेल्स सिलेक्ट कर दोस्तों पर क्लिक कर लेना। देन यहाँ पर आप जो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देन आपको सबमिट कर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको फोटो वेरिफिकेशन यहाँ पर आएगा, ऐसा इंटरव्यू इसको नो करके आपको जो है सबमिट कर देना, ठीक है। उसके बाद से बॉस आपको जो है आपका फोटो खींचने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो जिसका पैन कार्ड यूज करेंगे आधार कार्ड उसका फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ इस वाले ऑप्शन पर, देन यहाँ पर जो है आपको प्रोसीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद से बॉस करना क्या होगा आपको, उसके बाद से बॉस सेल्फी अपलोड करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है अपना यूजर आईडी किस पर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो मोबाइल नंबर पर या जीमेल आईडी, मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पर आप और ईमेल आईडी सिलेक्ट कर देना। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर जो अपना पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे उसी जो है एप्लीकेशन में लॉग इन कर पाएंगे। तो ध्यान यहाँ पर दोस्तों आपके केयरफुली जो है आपको पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना, और यूजर आईडी जो आपके जीमेल आईडी पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ फटाफट, उसके बाद से बॉस आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, देन आपको इसमें आप टिक मार्क कर देना, देन आपको आई एक्सेप्ट ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद अगेन आपको जो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड मांगेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो अपना आधार कार्ड फिलअप कर देना, ठीक है, टिक मार्क कर देना है। देन यहाँ पर दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर फिलअप करके दोस्तों आपको जो है सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक मेरे बॉस आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको ओटीपी को फिलअप करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर लें। वेरीफाई नाउ, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुल आपके अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद से बॉस आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा, सक्सेसफुल आपका जो अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से करना क्या होगा, देखो बॉस, उसके बाद से देखिए यहाँ पर आप लॉगिन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ओपन कर लेना होगा अपने जीमेल आईडी को, तो चलिए यहाँ से ओपन करते हैं जीमेल आईडी को। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको जो है कंग्रेचुलेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा, एंड यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो है अकाउंट का जो है मिल जाएगा रेफरेंस आईडी, देन यहाँ पर आपका यूजर आईडी, आपका यूजर आईडी आपका जीमेल आईडी ही होता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए बॉस आपका जो अकाउंट है अंडर प्रोसीड में, ठीक है, चला गया, ठीक है। उसके बाद से देखो 24 हावर के अंदर जो है आपका अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा। उसके बाद से देखो दोस्तों आप इसे जो है आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं एप्लीकेशन में, ठीक है। उसके बाद से आप जो सब अकाउंट बनाते वक्त जो आप जो है अपना पासवर्ड सेलेक्ट किए तो वही पासवर्ड है एंड आपका जी यूजर आईडी ये है, ठीक है। उसके बाद से चलिए बॉस मैं आप लोग को जो अपने एप्लीकेशन में ओपन करके इसको दिखा देता हूँ। मैंने आप लोग को अकाउंट बनाने का प्रोसेस बता दिया, आप लोग आई होप आप लोग सीख गए होंगे कैसे जो इसमें सक्सेसफुल अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके बाद से ICICI एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। 24 घंटे बाद जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए दोस्तों आपको जो अपना जीमेल आईडी एंड पासवर्ड सेलेक्ट करके एंड यहाँ पर दोस्तों पैन कार्ड का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके दोस्तों इसी को आपको लॉग इन का अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मेरे यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको जो है मैसेज कर लेना है कि भाई मैंने जो है आपकी लिंक से ज्वाइन किया है, तो मैं आपके पेटीएम आपको जो भी अपना देंगे जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं मैं उसमें जो है 150 रुपये का जो है साइनअप बोनस दे दूंगा, ठीक है। साइनअप बोनस करते ही आपको 150 रुपये मेरे तरफ से मिल जाएगा, और जो है आप किसी भी फ्रेंड को अगर आप रेफर करते हैं तो आपको 750 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। देखो बस यहाँ पर 3 डॉट्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, देन यहाँ पर दोस्तों आपको रेफर एंड अर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। अब देखो बस अगर आप किसी को अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपको रेफर करेंगे उसके आपके यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड करेंगे तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। चलिए बस मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ट्रेड भी कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अपने जनरेट लिंक पर क्लिक कर लेना, और इस लिंक को आप कहीं भी शेयर करेंगे, आपके लिंक से कोई भी ज्वाइन होता है तो आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर आप दोस्तों आप रेफर रिवार्ड्स वाले क्लिक करके आपका फ्रेंड्स कौन सा
सा फ्रेंड्स जो है इसमें साइनअप किया देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अपना नेम, यहाँ पर नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं पेंडिंग रिवार्ड्स में, देन यहाँ पर पेंडिंग वाला अकाउंट में जो है सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा यहाँ पर देखेगा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर आप सारा कुछ डिटेल सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको बस मैं चलिए बता देता हूँ कि कैसे जो है अपना रेफर लिंक किसी को शेयर करके दोस्तों आप ऐसे ही अकाउंट ओपन करवा दिए, आपको जो है 750 रुपये का प्रॉफिट होगा, 250 रुपये इंस्टेंट मिल जाएगा और 500 रुपये ट्रेड करने का। तो चलिए बस यहाँ से मैं आप लोग को बता देता हूँ ट्रेड कैसे करना है। आपका अपना अकाउंट रेफर करने के लिए बॉस आपको जो एक ट्रेड करना मस्ट है, नहीं तो आप किसी को रेफर करेंगे तो आपका रेफर काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आपको चलिए मैं आप लोग को जो है ट्रेड कैसे करना है बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो है चले आना होगा 3 डॉट्स वाला ऑप्शन पर, एंड आपको जो है चले आना होगा म्यूचुअल फंड्स पर, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, देन आपको नीचे चले आना होगा, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आपको जो एलोकेट फंड मैनेजमेंट बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लेना, बॉस आपको जो एलोकेट फंड्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, उसको दोस्तों आपको जो एड फंड्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, ठीक है। एड फंड्स वाला आप क्लिक मिनिमम दो आप दोस्तों जो है 2200 रुपये चलिए मैं यहाँ से जो है 2200 रुपये सिलेक्ट कर लेता। अब जो है एक जो है आपको जो है फर्स्ट एक ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी अमाउंट का कर सकते। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है फर्स्ट यहाँ पर मैं 20 रुपये लोड मनी कर लेता हूँ। वही पैसा जो आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप जो UPI ID सिलेक्ट कर लीजिएगा, देन यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, ठीक है। अब चलिए यहाँ से मैं प्रोसीड वाला ऑप्शन क्लिक किया, यहाँ पर दोस्तों आपको UPI ID सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं जो अपना UPI ID सिलेक्ट कर लेता हूँ। UPI ID सिलेक्ट करने के बाद बॉस आपको वेरीफाई एंड पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एंड देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको जो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, और जो आप UPI ID दे देते हो वहाँ से फिलअप करके जो है पैसा पे कर सकते हैं। आपके UPI नंबर पर ऐसा एंट्री फीस है तो आपको जो है पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, दोस्तों आपको जो अपना UPI ID फिलअप कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से जो है सक्सेसफुल अपना UPI ID फिलअप कर देता हूँ, जिन मेरा पेमेंट जो है 100% सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। पैसा लोड करने के बाद बॉस आपको अगेन 3 डॉट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, देन आपको इक्विटी पर क्लिक कर लेना, ठीक। उसके बाद से बॉस आपको जो क्लिक कर लेना है यहाँ पर दोस्तों आपको अगेन यहाँ पर इक्विटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद से कैश बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, यहाँ से दोस्तों NSE BSE कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँ यहाँ पर आप यस बैंक का एक शेयर जो है सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर 2 से 3 यहाँ पर 11 रुपये का शेयर है। एंड यस दोस्तों आप जो है यहाँ से बाई कर लिए, ठीक है। उसके बाद से आप एक बार बाई कर लेंगे, उसके बाद से आप बाई कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको जो है कैश सेल वाला ऑप्शन पर आना है। उसके बाद दोस्तों अगेन जो इसको जो है आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके एक जो है ट्रांजेक्शन कर लेना, तब जो है आपका रेफर करेंगे तो आपको जो है पावर तब जाके आपका रेफर सक्सेसफुल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे तो आपको रेफर जो है सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। देखिए बस, और जो है आपको साइन अप बोनस लेने के लिए मेरे यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कर दीजिए, आपको जो मैं 150 रुपये पे कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके इससे आप जो है अर्निंग कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, इसे आप लूटिएगा बॉस, काफ़ी मज़ा आ जाने वाला है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मस्त चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन दबाया, ताकि आपको हमारे वीडियो का रिस्पॉन्स सबसे पहले मिले। अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम चैनल को बॉस ज्वाइन कर लो, क्या कर रहे हो, ठीक है।